Okay, good morning student. As you know that we are teaching types of pronoun. This is four lecture of pronoun. In previous videos we have completed what is pronoun, what is the need of pronoun and why we use pronoun, and also personal pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun and reciprocal pronoun. These five pronouns are completed. So today we are going to study definition of this pronoun. Emphatic pronoun emphasize the subject and these are usually normative case. यानी जो emphatic pronoun होता है वो subject के emphatic emphasize करना होता है, बल देना यानी जोर देना, वो subject पे जोर देने के लिए use होता है और ये nominative case में होते हैं, यानी subject के तुरंत बाद, यानी कह सकते हैं कि these are also include add as subject. But reflexive pronoun it is expressing that subject action affect the subject itself. इन्हें subject का जो काम रहता है वो subject के ऊपर ही पड़ता है. Over the word ये जो दोनों pronoun हैं, these pronoun are made ये जो दोनों प्रोनाउन है वो सेल्फ या सेल्फ के सेल्फ से बनते हैं. जैसे हम कह दें thank you.
These are reflexive and also emphatic pronoun. These are made by adding self or self. For example, let's see. Here you are watching two example. I can do it myself. यहाँ पर myself क्या है? Verb के बाद क्या है? यानी I can do it modal verb main verb. Modal verb main verb. उसके बाद अगर verb के बाद में ये self added pronoun आते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? Reflexive. But I myself can do it. जैसा कि आप definition में देख सकते हैं, emphasize the subject के subject पे जोर देने के लिए कहा जाता है, और ये nominative case में आते हैं, यानी verb से पहले subject के तुरंत बाद. I subject हो गया, इसके just बाद self added pronoun. तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? Emphatic. I will make tea myself. यहां पर वर्ब के बाद आया है सेल्फ एडेड प्रोनाउन, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? यहां पर सेल्फ, आई माई सेल्फ विल मेक टी, आई विल मेक टी माई सेल्फ. यहां पर सेल्फ एडेड प्रोनाउन लास्ट में आया है, लास्ट में इसमें वर्ब के बाद. इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आई विल मेक माई सेल्फ टी, मतलब वर्ब के बाद अगर सेल्फ एडेड प्रोनाउन आते हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, एज यू आर वॉचिंग इन डेफिनेशन. बट वेन इट कम्स जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे, जैसे आई माई सेल्फ विल मैक टी. आई होप यू हैव नो डाउट अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन्स. जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड ऑल्सो लर्न द डेफिनेशन इजी लैंग्वेज. जस्ट यू हैव टू सी दैट इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फसाइज द सब्जेक्ट. वो सिर्फ सब्जेक्ट में जोर देने के लिए आता है, और ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है. जैसे कि हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद अगर सेल्फ एडेड प्रोनाउन आते हैं तो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन आएगा. मगर यही अगर वर्ब के बाद सेल्फ एडेड प्रोनाउन आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई होप यू क्लियर अबाउट, यू हैव नो कंफ्यूजन अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन. Next, indefinite pronoun.
In this way, pronoun or pronouns that stand for some person or thing, but we exactly don't know whom. यानी किसी person या कोई thing के बारे में बताता है, मगर उसका exactly कोई name नहीं होता. यानी exactly हम नहीं जान सकते किसके बारे में बात हो रही है. जैसे हम कह सकते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. दीज आर वेरी वर्ड्स. लेट्स सी एग्जांपल. समवन हैज स्टोलन माय बुक. किसी ने मेरा बुक चुरा ली. जैसे कि हम एग्जांपल में पर्सन या थिंग हो सकता है, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये कौन है, राम है, श्याम है, कौन है. जैसे यहां पर एग्जांपल रूप दिया है, समवन हैज स्टोलन माय बुक. किसी ने मेरा बुक चुरा लिया. मतलब ये किसी, ये कौन है, ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते. Nothing is impossible. कुछ impossible नहीं है, मगर वो कुछ क्या है वो हम लोग नहीं बता सकते. वो कुछ क्या है. कोई भी सॉल्व कर सकता है, मगर वो एग्जैक्टली कौन है, राम श्याम ये कौन है, ये हम नहीं बता सकते. मतलब कोई कर सकता है. ठीक है, तो दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स. अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित. यानी कोई चीज निश्चित नहीं होता. यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो निश्चित नहीं है. ये समबडी, समवन, एनीवन, ऑल, नन, दिस मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कम इन इंडेफिनिट प्रोनाउन. आई होप दैट यू हैव नो कंफ्यूजन अबाउट emphatic and reflexive pronoun, also indefinite pronoun. ये कोई person या thing के बारे में होता है, मगर हम exactly उसका name नहीं जानते कि कौन क्या करता है. I hope that you like my video. If you have any confusion about pronoun, this is 4th lecture of pronoun. If you have any doubt, any confusion, you can see my previous videos about pronoun. Thanks for watching. That's enough for today. And I will meet in next videos. Thank you.